प्रिंटर की कार्ट्रिजेस कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं एक कलर्ड कार्ट्रिज लाया हूँ एंड एक ब्लैक कार्ट्रिज। सबसे पहले हम लोग ये जो पैनल है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे ये ऐसा एक लॉक दिया है, इसको प्रेस करो तो ये उड़ जाता है। फिर ये सपोर्ट है, इससे इसको रोक सकते हैं। तो जब भी आप ये कार्ट्रिज इंस्टॉल करें तो ये प्रिंटर केबल से कनेक्ट होना चाहिए, पावर से, एंड ऑन होना चाहिए। जब ये पावर ऑन होता है तो ये जो जहाँ पे हम कार्ट्रिज लगाते हैं यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा और फिर आप उसमें से कार्ट्रिज इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये अभी सेंटर में। तो जो बी है ये ब्लैक कार्ट्रिज है इसके लिए, एंड जो सी है वो कलर्ड के लिए। तो ब्लैक मैंने इंस्टॉल कर दी थी, अभी मैं कलर्ड वाली इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये जो कार्ट्रिजेस होती हैं इसको ओपन करने के बाद इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पहले ये टेप हटाना पड़ता है, मतलब एक प्लास्टिक कवर होता है वो हटाना पड़ता है, उसके बाद टेप, एंड फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। इस टाइप से एक कवर में आता है तो ये कवर हटाना पड़ता है, एंड इसके अंदर एक तो टेप भी रहेगा, वो भी हटाएंगे। ये कलर कार्ट्रिज है, एंड ये जो टेप है इसको भी केयरफुली हटाना है। अभी इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो अभी मैं कलर्ड कार्ट्रिज इंस्टॉल करूँगा, तो आप देखिए सी जो है, इस सी वाले को ओपन करूँगा, एंड इसमें से ये मैंने पुराना कार्ट्रिज निकाल लिया और अभी मैं ये न्यू कार्ट्रिज डालूँगा। इसको भी ऐसे इसी तरीके से इस डायरेक्शन में डालना है। हो गया, एंड अभी ये जो हमने ये लगाया था सपोर्ट, इसको हटा देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अभी ये इंस्टॉलेशन हो चुका है कंप्लीट, एंड इसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।